नमस्कार, मैं हूं अमित सिन्हा। मैं ICICI फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। मैं आज चर्चा कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस में वॉशिंग मशीन के ट्रबल शूटिंग के बारे में। आज का हमारा उद्देश्य है, हम जानेंगे वॉशिंग मशीन में होने वाले कॉमन प्रॉब्लम्स को और उन कॉमन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, ये देखने वाले हैं। तो हमारे पास कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग देखें और फिर उनको बारी बारी करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे। सबसे पहली जो समस्या है उसमें है वॉशर का ऑन नहीं होना, ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम होना, एजिटेट या स्पिन का काम नहीं करना, वॉशर में लीक होना, डिटर्जेंट का डिस्पेंसिंग सही से नहीं होना, वॉशर का वाइब्रेट और शेक करना, वॉशर का नॉइजी होना, वॉशर का स्मेल करना और वॉशर अपना कंप्लीट साइकिल नहीं कर रहा है। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं वॉशर का ऑन नहीं होना, तो क्या कारण हो सकता है। पहला ही कारण अगर हम लोग बात करें तो वह है पावर सिस्टम का। अगर पावर सिस्टम को चेक करेंगे, अगर पावर सिस्टम सही निकला तो आपकी समस्या यही सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। आगे हम लोग चेक करेंगे मोटर को, मोटर सही काम कर रहा है या नहीं। मोटर अगर प्रॉब्लम है तो यही सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग आगे के स्टेप में LID स्विच को चेक करेंगे। LID स्विच में अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग यही सॉल्व कर लेंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा हम लोग आगे चेक करेंगे टाइमर को। टाइमर चेक करने के बाद भी हम लोग देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। लेकिन आप इन चारों सिस्टम को जब चेक कर लेंगे तो पूरी संभावना है कि आपका वॉशर काम करने लगेगा। सेकंड जो हमारे पास समस्या है वो है ड्रेनिंग में प्रॉब्लम होना। तो ड्रेनिंग के प्रॉब्लम को दो हिस्सों में बांटा गया है। जो पहला समस्या है वो है ए ड्रेन होज की समस्या, वो क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है कि खुद से देखिए, जो गंदगी है उसे हटाइए। हो सकता है तो गार्डन वाला जो आप पाइप यूज घर में करते हैं, होज यूज करते हैं, उसको लगाकर चेक कीजिए और गंदगी निकालने का प्रयास कीजिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ड्रेन होज जो है मुड़ जाता है शार्पली, तो पानी निकलने में दिक्कत होता है। फिर हम लोग चेक करेंगे कोई बहुत ऐसी गंदगी तो नहीं है जो आकर फंस गया हो, तो उसे हम लोग हटाएंगे। ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं कि आपके घर के ही ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो उसे सॉल्व कीजिए। कई दफ़ा ये भी हो सकता है कि वाटर लेवल जो है वॉशिंग मशीन के ड्रेनेज सिस्टम का और घर का जहाँ निकास हो रहा है वह ठीक से बैलेंस नहीं है। वॉशिंग मशीन का जो ड्रेनेज सिस्टम है वह हमेशा हम लोग ऊपर रखेंगे और जो घर का निकास होगा वो नीचे रहेगा। फिर हम लोग चेक करेंगे कि जो डायमीटर है स्टैंड पाइप का वो एक से लेकर 1/4 inch का है या नहीं। एक ऐसे भी कारण हो सकता है कि जो ड्रेन हाउस का जो स्टैंड पाइप है वह सील कर दिया जाता है। तो सील करने से क्या होता है कि जब बैक से प्रेशर आएगा पानी का तो भी आपको ड्रेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा और ड्रेनिंग प्रॉब्लम आपको मिलेगा। तो सील कभी भी हमें नहीं करना है। एक ऐसी भी बात होती है कि जो स्टैंड पाइप होगी उसकी हाइट आप याद रखेंगे 96 inch की होगी। ये जो 9 प्रोबेबल तरीका या समस्या बताया गया है कि ड्रेन होज से संबंधित है, लेकिन अगर यहाँ भी सॉल्व नहीं हुआ तो हमारा पूरा शक जाता है ड्रेन पंप के ऊपर और हम लोग ड्रेन पंप चेक करेंगे, ड्रेन पंप जाम है या क्या है। इसके भी दो कारण हो सकते हैं कि अगर जाम होगा तो ड्रेन लॉक हो जाएगा ड्रेन पंप, या तो सीज हो चुका है, बैरिंग उसका काम नहीं कर रहा है, कंप्लीट बंद है। यहाँ पर जो भी समस्या है वो पंप से रिलेटेड है। पिछले बार जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे वह ड्रेन होज से संबंधित था। तो ड्रेन पंप से होने वाली समस्याओं का कैसे हम लोग चेक करें या क्या तरीका है, इसमें आप खुद से देखिए। ड्रेनिंग पंप को बंद कीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए और सारा पानी बाहर निकालिए और चेक कीजिए कि कोई गंदगी तो नहीं फंसी है। जो इनलेट पाइप है, पंप है, वाटर पंप का, वहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है। वॉशर से पंप को निकालिए और देखिए कि वो सही दिख रहा है या उसमें कोई फिजिकली डैमेज है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसे रिप्लेस कीजिए, संभव हो तो रिपेयरिंग कीजिए। बहुत दफ़ा ऐसा भी होगा कि बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट यूज करने के बाद वहाँ पे एक गाद जैसा, कीचड़ जैसा जम जाता है, तो परेशानी हो सकती है, ड्रेन पंप जाम हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा भी आपको मिलेगा कि क्वाइन है, पेन है या पॉकेट में रहने के कारण वहाँ ड्रेन पंप के पास चला जाता है और ड्रेन पंप को जाम कर देता है। तो इस तरीके से आपको रिप्लेसमेंट या
प्रोबेबल तरीके हैं जो चेक करने होंगे। अगर आप पंप के खराब होने पर बेहतर है कि उसे रिप्लेस कर दीजिए, अदरवाइज वो आगे एक और समस्या आपके लिए क्रिएट कर सकता है। तो हमारे पास एक तीसरा समस्या ये है कि एजिटेट यानी कि स्पिन काम नहीं कर रहा है। तो क्या कारण हो सकता है स्पिन और एजिटेट का काम नहीं करना? सबसे पहला ये होता है कि लोड आपके पास अधिक होगा तो वो काम नहीं करेगा। स्विच सिस्टम आपका सही से नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, पैनल है, उसको चेक कीजिए कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। बेल्ट चेक कीजिए कि बेल्ट सही से है या बेल्ट उतर चुका है। तो स्वाभाविक है बेल्ट से स्पिन का कनेक्शन टूट गया है, क्योंकि बेल्ट के माध्यम से ही होता है, तो बेल्ट को आप ठीक कीजिए। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। वो है कि मोटर का खराब होना, मोटर को चेक कीजिए। अगर यहाँ भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ड्रेन पंप को चेक करेंगे। ड्रेन पंप को जब चेक करेंगे, जो अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर रहे थे, ड्रेन पंप भी अगर सही काम नहीं करता है तो एजिटेट और स्पिन सही से काम नहीं करता है। जो हमारे पास नेक्स्ट समस्या है वो है वाशर का लीकेज होना, और वाशर के लीकेज का क्या कारण हो सकता है। ध्यान से इस बात को सुने, जहाँ कहीं भी वॉशिंग मशीन में पानी है, वह हर स्थान को आप बारीकी से चेक करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी होगा वह हर स्थान लीकेज दे सकता है। सबसे पहला जो हम चेक कर रहे थे वो होज को, जिसमें ड्रेन होज आता है और फील होज आता है। होज में चेक करेंगे ड्रेन होज को और फील होज को। सेकेंड जो कारण हो सकता है वो वाटर इनलेट वाल्व है, जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करता है वाटर के फ्लो को, वहाँ चेक करेंगे। हम लोग डिटर्जेंट में अभी जस्ट चर्चा कर रहा था कि डिटर्जेंट ज़्यादा यूज करने से वो गाद और कीचड़ जैसा बना देता है, तो फिर पानी का फ्लो नहीं होने देगा होज से, ड्रेन होज से, तो वो लीकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। हम लोग चेक करेंगे फ्रंट लोड में स्पेशली, अगर डोर के सील में कहीं कटिंग है, लीकेज है, तो स्वाभाविक है कि फ्रंट डोर में से पानी आपको लीकेज होता दिखेगा। इसके अलावा भी कई कारण हो सकती है, वह है ड्रेन पंप का खराब होना और ड्रेन होज का, ड्रेन एंड होजेस का। ये जो व्यवस्था है इसमें यह है कि पानी आया इनलेट वाल्व, इनलेट पंप के, इनलेट पाइप के माध्यम से वॉशिंग मशीन में, फिर ड्रेन पंप और ड्रेन होज के माध्यम से बाहर गया। ये जो कनेक्टिविटी वाली पाइप है इसको भी आपको चेक करने होंगे। इसके साथ साथ टब को भी चेक कीजिए कि कहीं से कोई फिजिकल डैमेज या चूहे ने काट दिया हो। इस तरह की परेशानी होगी तो टब से डायरेक्ट पानी लीकेज होगी। टब के सील को भी चेक कीजिए कि टब से सील है या नहीं। अगर नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि वहां से पानी लीक होगा। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे थे कॉमन प्रॉब्लम्स में, जिसमें सबसे पहले चर्चा किए कि वाशर का ऑन नहीं होना। वाशर तो ऑन नहीं हुआ, साथ साथ हम लोग ये भी देख लिए कि ड्रेनेज सिस्टम का खराब होना, एजिटेट का सही से काम नहीं करना और लीकेज होना। ये चार समस्या को हम लोग आज देख चुके हैं। अगले पीपीटी और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटर्जेंट वाली समस्या को, और जो लीकेज के साथ साथ यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा था 6 नंबर में कि वाशर सेक कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वो देखेंगे। वाशर का नॉइज़ी होना देखेंगे, वाशर स्मेल कर रहा है और साथ साथ वाशर अपना कंप्लीट साइकिल नहीं कर रहा है। इन सारे समस्याओं को अगले पीपीटी में देखेंगे। तो आज हम लोग 4 समस्याओं को देखे हैं, और उन समस्याओं को आप बार बार रिपीट कीजिए, देखिए, ताकि एक अच्छा टेक्नीशियन आप बन पाए। वो जो चारों समस्या हम लोग देखे थे वो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर वॉशिंग मशीन में लगभग होता ही है। उन वॉशिंग मशीन में होने वाले प्रॉब्लम्स को तो हम लोग देखें, और ये भी देखें कि उन प्रॉब्लम्स का निदान क्या हो सकता है और वो प्रॉब्लम आखिर हुआ क्यों, ये भी हम लोग देखें। इसलिए मैं आपको एक सलाह ओपिनियन देता हूं कि आप बारीकी से इस वीडियो को देखें और समझें। आपके बेहतर टेक्नीशियन बनने का यही एक सक्सेस की है। आपके बेहतर भविष्य के लिए ICIC फाउंडेशन की ओर से शुभकामना। सुरक्षित रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।